खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां डायरिया से बच्चों की मौतें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल शहर के नगर निगम अंतर्गत विभिन्न वार्डों में दूषित पानी पीने से बच्चे बीमार हो गए और उनमें से कुछ बच्चों की मौत भी हो गई। इसी के चलते नगर निगम पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से दूषित पानी पीकर बच्चे बीमार हुए हैं, उन बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कल से आज तक के कम से कम 300 से 400 के लगभग बच्चों के बीच में डायरिया हो गया है। बेरी मैदान, दौलतपुरा, उधर खैराती बाजार, इन तरह आज़ाद वार्ड, इन वार्डों में बहुत तेज़ी से कर रहा है। कल भी हमने सभी पार्षदों से मिलकर अपने हॉस्पिटल में गए थे, तो आज व्यवस्था थोड़ी सुधरी है। आज कलेक्टर मैडम को हमने इसी संदर्भ में ज्ञापन दिए और आज नगर निगम कमिश्नर से भी बात किए। मानवता शर्मसार हो रही है बुरहानपुर शहर में, जहाँ पर कि बच्चों की डायरिया से मौत होना ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना लापरवाह स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के महापौर और यहाँ के सांसद हैं। उनको जरा सी फिक्र नहीं है कि बुरहानपुर में आम जनता क्या दुख झेल रही है। बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही है, अस्पताल की स्थिति बद से बदतर, शहर में गंदगी का ढेर पड़े है, गंदा पानी शहर की जनता पी रही है। बल्कि उनको कोई फिक्र नहीं है, पानी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे, पानी में गंदगी आ रही है, कीड़े आ रहे, काले काले पानी है, मतलब हाँ पानी के अंदर साफ सफाई नहीं हो रही है, साफ सफाई नहीं हो रही है, गंदा पानी आ रहा है और यहाँ पे भी पानी पीने की सुविधा नहीं है। अभी कम से कम 100 के लगभग बच्चे हैं यहाँ, छुट्टी हो रही। एक नागजीरी में कल एक बच्चे की डेट हुई 1.5 साल की, एक आदमी हुआ अभी हमारे नागजीरी का, बहुत सीरियस पड़ा हुआ है। और पानी में तो इतनी बेकार बास आ रही है और नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई नगर निगम की तवज्जो नहीं है। और यहाँ आ रहे हो पैकेट दे दे रहे और एक बोतल चढ़ गई बस। पानी खराब आ रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार, हम बड़े भी बीमार हो रहे थे। कुछ बच्चे पिछले 2-3 दिनों से जिला अस्पताल में आ रहे हैं जिनको डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा गंदे पानी का भी बात की जा रही है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि डायरिया का कारण मुख्य क्या है। तो हम गंदे पानी पे भी एक्शन ले रहे हैं और बाकी चीजों पे भी एक्शन ले रहे हैं। गंदे पानी के लिए अभी हमने 5 से 6 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। 5 से 6 टीमें नगर निगम की अभी 5 टीमें फील्ड में गई हैं, जो लोकल लीडर्स हैं वहां पर और लोकल जनप्रतिनिधि भी है और लोकल अपने शिकायत करता है, उनके घर घर जाके जो एरिया है उसको मैप कर रहे हैं। कहीं पर भी लीकेज का पता चलता है तो लीकेज को प्लग कर रहे हैं। कभी कभी हाउस सर्विस कनेक्शन जो है वो छूट जाते हैं जमीन पर, और उसकी वजह से जब पानी का सप्लाई खत्म होता है तो गंदा पानी सेकेंड हो जाता है, जो पानी के नेक्स्ट सप्लाई में शुरुआत के 10 मिनट में आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हाउस सर्विस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करके ऊपर करेंगे। इसके लिए एक जेएमसी का भी टीम मेंबर हमने हर टीम में रखा हुआ है। डायरिया की कंप्लेंट्स अभी 24 अप्रैल से आना चालू हुई थी, उस दिन से ही हमारे जो जल प्रदाय की टीम्स हैं वो सक्रिय हो गई थी। जिन क्षेत्रों से डायरिया की शिकायतें थी वहाँ सैंपलिंग कराई है पानी की, पीएचई की लेबोरेटरी में उसका टेस्ट भी कराया, पानी की रिपोर्ट सभी नॉर्मल आई है। जिस तरह के केसेस आए हैं तो हॉस्पिटल से उनकी सूची ली है पेशेंट्स की, नगर निगम ने 6 टीम बनाई है और उन पेशेंट्स की सूची के हिसाब से उनके घर घर जाके उनके निजी नल कनेक्शन को भी चेक करा रहे हैं कि उनके निजी नल कनेक्शन के कारण कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा है।